हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. बच्चों हम अपने फाइलम्स डिस्कस कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया को लेकर. बहुत सारे बच्चों का प्यार, ढेर सारा प्यार आपका मिल रहा है इन फाइलम से रिलेटेड मुझे. तो बच्चों उन्हीं फाइलम्स को कंटिन्यू करते हुए हम अब नेक्स्ट फाइलम की तरफ मूव करते हैं. एंड हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज. पहले बच्चों हम इनके कॉमन फीचर्स की बात करते हैं, जनरल फीचर्स की बात करते हैं. बच्चों इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, अगर आप इन फाइलम के मेंबर्स को देखते हो तो इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों ही सरफेस से फ्लैट होती है. दैट मींस दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. और बच्चों इनकी बॉडी फ्लैट होने की वजह से हम इस फाइलम के मेंबर्स को फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं. तो कभी कभी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ड ना मिलकर आपको वर्ड मिलता है फ्लैट वॉर्म. तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इन मेंबर्स की जो बॉडी होती है दैट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. और इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होने की वजह से हम इनको नाम देते हैं फ्लैट वॉर्म्स. क्या देते हैं बच्चों? फ्लैट वॉर्म. क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम बात करते हैं इस फाइलम के हैबिटेट की, कि इस फाइलम के मेंबर्स कहां रहते हैं. तो बच्चों जैसे हमने फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम निडेरिया, इन फाइलम को डिस्कस किया था. ये लोअर फाइलम्स थे और इन फाइलम के मेंबर्स मोस्टली एक्वाटिक मीडिया में थे, आइदर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर. बट जब हम बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की, हम बात करते हैं फ्लैट वॉर्म्स की. मोस्ट ऑफ द फ्लैट वॉर्म्स किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दैट मींस दे आर पैरासाइट. दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. होस्ट वर्ड हम उस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं बच्चों जिसके अंदर या बाहर पैरासाइट प्रेजेंट होता है. अभी मैंने आपको बताया इस फाइलम के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कैसे होते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, जिनको हम बच्चों एंडोपैरासाइट कहते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोपैरासाइट. बच्चों पैरासाइट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पैरासाइट होना अपने आप में ही उसके कुछ स्पेशल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है. वो स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे. नाउ मैंने बोला बच्चों मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर एंडोपैरासाइट, बट कुछ मेंबर्स इस फाइलम के ऐसे भी हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं है. दे आर फ्री लिविंग. वो एनवायरमेंट में फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट हैं. वो किसी से भी, किसी भी होस्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म से कोई भी डिपेंडेंसी शो नहीं करते. और बच्चों इसीलिए जो सेकंड पॉइंट होगा हमारा दैट इज इस फाइलम के जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं दे आर एंडोपैरासाइट बट सम आर फ्री लिविंग ऑल्सो. और बच्चों जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इस फाइलम से बिलोंग करता है वो अपने आप में ही बहुत स्पेशल फीचर रखता है. उस फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है बच्चों प्लेनेरिया.
प्लेनेरिया को हम ड्यूजेशिया भी कहते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस नाम को लेकर कि सर हमने ड्यूजेशिया वर्ड तो पढ़ा ही नहीं है पूरे किंगडम एनिमेलिया में। तो बच्चों प्लेनेरिया को ही हम क्या बोलते हैं, ड्यूजेशिया। और प्लेनेरिया शो रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन। सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन की पावर होती है बच्चों, ये इन लोअर फाइलम्स के मेंबर्स में ही होती है, और उसमें भी प्लेनेरिया जो है वो सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर शो करता है। तो अगर कभी भी प्लेनेरिया पर क्वेश्चन आता है तो पहली प्रायोरिटी क्वेश्चन की होती है कि विच ऑर्गेनिज्म शो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। तो बच्चों मैक्सिमम रीजनरेशन पावर जो है वो प्लेनेरिया में पाई जाती है। क्लियर दिस थिंग? बच्चों मैंने वर्ड यूज किया पैरासाइट। अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होता है तो उस पैरासाइट के क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, किस वे में हम उस ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं, किस वे में वो हमारी बॉडी के अंदर रहकर भी एंटीबॉडीज उस पर कुछ भी असर प्रोड्यूस नहीं कर पाती, किस वे में वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ये सारे फीचर्स हम जानेंगे। बच्चों ध्यान से सुनो, जब भी कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में रहता है इनसाइड और आउटसाइड, तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। उसमें से जो पहला फीचर है, जब कोई पैरासाइट हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन या हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन से अटैचमेंट, उस पर्टिकुलर ऑर्गन से अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए पैरासाइट्स के पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। बच्चों उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं हुक्स एंड सकर्स। आई एम राइटिंग हियर। पैरासिटिक अडेप्टेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरासाइट कंटेन हुक्स एंड सकर्स। बच्चों सकर्स की हेल्प से वो कोई चीज सक नहीं करते, दे ओनली गेट अटैच्ड टू एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी ऑर्गन बाय द हेल्प ऑफ हुक्स एंड सकर्स। क्लियर दिस थिंग? नाउ द सेकेंड पॉइंट, जो पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन पैरासाइट्स में मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, दे लैक एलिमेंट्री कैनाल, उनकी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। देन वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो बच्चों जो भी हम फूड लेते हैं, जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उस डाइजेस्टेड फूड को ये पैरासाइट डायरेक्टली अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दे डोंट हैव टाइम टू डाइजेस्ट एनीथिंग, दे डायरेक्टली टेक ऑलरेडी डाइजेस्टेड और ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। क्लियर दिस थिंग? नाउ दैट मींस दे टेक न्यूट्रिएंट्स, दे टेक न्यूट्रिएंट्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। बच्चों मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर हैं, हो सकता है कहीं पर उनको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉपर ना हो, उनको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉपर ना हो। तो अगर वो कंप्लीटली ऑक्सीजन पर डिपेंड होंगे,
और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कहीं पर भी रिड्यूस हुई तो उनके डेथ होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए गॉड ने पैरासाइट को एक फीचर दिया कि तुम ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हो, तुम ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर सकते हो। दैट मींस बच्चों, जो पैरासाइट्स होते हैं दे हैव एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दे हैव एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो भी सिस्टम, जिन भी सिस्टम की नीड पैरासाइट की बॉडी में नहीं है, गॉड ने वो फीचर्स पैरासाइट की बॉडी में दिए ही नहीं। जितने भी अननेसेसरी ऑर्गन्स हैं जिनको पैरासाइट को नीड नहीं है, वो पैरासाइट की बॉडी से हटा दिए गए, सो दैट वो एज अ पैरासाइट अपने आप को इजीली अडेप्ट कर सके। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? नाउ हम जब बात कर रहे हैं पैरासिटिक अडेप्टेशन की, बच्चों कोई भी पैरासाइट, आइदर फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, कोई भी पैरासाइट जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, किसी भी पैरासाइट के सर्वाइव करने के मैक्सिमम रेट तब होता है जब वो पैरासाइट मैक्सिममली रिप्रोड्यूस करे। सपोज अगर कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में है, वो एक बार में 4 to 5 एग ले डाउन करता है, हमारे फीकल मैटर के थ्रू उन एग के बाहर आते आते 2-3 एग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू डाइजेस्टिव जूस। अब वो जो 2-3 रिमेनिंग एग फीकल मैटर में आए, हमारी बॉडी से बाहर निकले, उन एग के डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हैं। सपोज 1 या 2 एग ही उस फेवरेबल कंडीशन में पहुंचे जहां पर उनका फर्दर डेवलपमेंट हो सकता है। सपोज अगर उस एग को डेवलप होने के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म, पिग, काऊ, बफलो, गोट, इनकी बॉडी में एंटर करना है, तो उनकी बॉडी में भी एंटर करने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि नंबर कम है। यही अगर कोई पैरासाइट लैक नंबर ऑफ एग ले डाउन करता है, तो एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ एग हमारी बॉडी से बाहर आएंगे, उसमें से 100 नहीं तो 10 मिनिमम टू मिनिमम किसी ना किसी एनिमल की बॉडी में एंटर करने के चांसेस बन जाएंगे। इसीलिए बच्चों अगर हमारे अर्थ पर ये पैरासाइट सरवाइव कर रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उनकी मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। तो द नेक्स्ट फीचर ऑफ पैरासाइट इज मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। नाउ जब भी कोई पैरासाइट ह्यूमन बॉडी की में प्रेजेंट है या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है, एज वी नो हमारे स्टमक में कंसंट्रेटेड HCl निकलता है। हमारी बॉडी में कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इजीली जब हमारे फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इन छोटे छोटे पैरासाइट को तो डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं। तो फिर पैरासाइट अपने आप को कैसे बचाएगा? इसके लिए पैरासाइट को एक प्रॉपर कवरिंग दी गई, उस कवरिंग को हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूटिकल। तो जो पैरासाइट्स होते हैं बच्चों, दे आर मोस्टली कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो द नेक्स्ट फीचर दैट इज पैरासिटिक अडेप्टेशन इज दे आर कवर्ड बाय क्यूटिकल, दे आर कवर्ड बाय क्यूटिकल। सो गाइज दीज आर द डिफरेंट पैरासिटिक अडेप्टेशंस। जब भी कहीं पर भी पैरासाइट की बात आएगी, नॉट ओनली इवन प्लेटी हेलमिंथीज,
एसके हेलमिंथीज या किसी और फाइलम में या जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं वहां पर, तो आपको ये सारे फीचर्स याद होने चाहिए जो एक पैरासाइट की बॉडी में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एवरी पैरासाइट शुड कंटेन ऑल दीज फीचर्स, बट एवरी पैरासाइट कंटेन मोस्ट ऑफ दीज फीचर्स टू अडेप्ट इटसेल्फ इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर दीज पॉइंट्स? नाउ जैसे कि हम बात कर रहे हैं फ्लैट वॉर्म्स की, मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इस फाइलम के पैरासाइट हैं। तो जब पैरासाइट हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेशन एनरोबिक टाइप का है। बच्चों जो ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, इन फ्लैट वॉर्म्स के कुछ और भी जनरल फीचर्स हैं और कुछ स्पेशल जनरल फीचर्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। वो फीचर्स अब हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट फीचर दैट मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये फर्स्ट फाइलम है जहां से एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक की जगह कैसे हो जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी तक हमने फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया स्टडी किया। वहां हमने डिस्कस किया था कि फाइलम पोरीफेरा निडेरिया उस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे ओनली कंटेन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बट बच्चों इस फाइलम के मेंबर्स यहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं, दे कंटेन एक्टोडर्म मीजोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। सो मेंबर्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेकेंड, यहीं से स्टार्ट होती है एक नई सिमेट्री दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। अभी तक हम जो फाइलम्स पढ़ रहे थे आइदर देवर एसिमेट्रिकल और देवर रेडियली सिमेट्रिकल, दैट मींस अब जो फाइलम हम बात कर रहे हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज या फ्लैट वॉर्म, दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। दैट मींस वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है बाय अ सिंगल प्लेन, एंड दैट सिंगल प्लेन शुड पास थ्रू सेंटर, दैट सिंगल प्लेन शुड पास थ्रू सेंटर। क्लियर दीज थिंग्स? ओके, नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं यहां पर कई सारे ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुके होते हैं, बट ये ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स। सो दे शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां से इस फाइलम से मीजोडर्म लेयर का बनना स्टार्ट हो चुका होता है, यहां पर थर्ड लेयर मीजोडर्म के फॉर्म में डेवलप हो चुकी होती है, बट स्टिल इस फाइलम के मेंबर्स में भी प्रॉपर जो बॉडी कैविटी होती है, जो सीलोम होती है, वो प्रेजेंट नहीं होती। तो बच्चों इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो ए सीलोमेट, दे आर ऑल्सो ए सीलोमेट। सो दिस इज अबाउट पैरासिटिक अडेप्टेशंस एंड सम जनरल फीचर्स ऑफ दिस फाइलम। नाउ अब हम आते हैं इस फाइलम के कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स की। बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यही वो फाइलम है जहां से मेंबर्स में एनिमल्स में हेड रीजन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और जब हेड रीजन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं सिफिलाइजेशन।
दैट मींस इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनमें सिफिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई. फॉर्मेशन ऑफ हेड रीजन यहां से ही डेवलप होना स्टार्ट हुआ. सेकेंड पॉइंट, जब हम फ्लैट वॉर्म्स को देखते हैं बच्चों, फ्लैट वॉर्म्स की जो बॉडी होती है अगर आप उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हो तो ऐसा अपीयर होता है कि इनकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड है, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है. अब दिखती क्यों है? क्योंकि अगर हम इनके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को देखें तो वो पार्ट सेम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, बट उनका डेवलपमेंट स्टेज अलग अलग होता है. मैं आपको इसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं. सपोज एक बॉडी है, वो तीन सेगमेंट्स में डिवाइड है. फर्स्ट सेगमेंट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इमैच्योर फॉर्म में है. सेकेंड सेगमेंट में, सेगमेंट सेम है, सेकेंड सेगमेंट में, सेकेंड पोर्शन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो चुके हैं. अब जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हुए तो उस पर्टिकुलर पार्ट का शेप पहले वाले पर्टिकुलर पार्ट के शेप से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. क्लियर? नाउ जो थर्ड सेगमेंट है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ने जाकर फर्टिलाइजेशन कर दिया तो उसका शेप और चेंज हुआ. तो बॉडी एक ही है, यहां शेप अलग है, यहां मिड में शेप अलग है, लास्ट में शेप अलग है. इन शेप के साइज में डिफरेंस होने की वजह से ऐसा लगता है कि बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड है, बट ऐसा होता नहीं है. मतलब इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं दे हैव फॉल्स सेगमेंटेशन, उनकी बॉडी में ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता. और इस प्रॉपर्टी के लिए बच्चों हम वर्ड यूज करते हैं स्यूडो. स्यूडो मतलब फॉल्स. स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो मेटामेरिज्म. क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम आते हैं इस फाइलम के मेंबर्स के कुछ और फीचर्स की. बच्चों ये है फ्लैट वॉर्म. फ्लैट वॉर्म की बॉडी में स्केलेटन सिस्टम, बेसिकली जैसे हमारी बॉडी में बोन्स और कार्टिलेज स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं, फ्लैट वॉर्म की बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है. और वही फ्लूइड इन फ्लैट वॉर्म्स के शेप को मेंटेन करता है. तो जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फ्लूइड लिक्विड स्केलेटन सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, बॉडी के शेप को मेंटेन कर रहा है, तो बच्चों वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोस्केलेटन. हाइड्रो मींस वाटर, फ्लूइड, और फ्लूइड इज एक्टिंग एज अ स्केलेटन सिस्टम. तो बच्चों वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोस्केलेटन. तो इस फाइलम के मेंबर्स में कैसा स्केलेटन होता है? हाइड्रोस्केलेटन. हम नेक्स्ट फीचर पर आते हैं. इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए, उनके बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों. और ये सेल्स बहुत पूछी जाती हैं. इन सेल्स को हम नाम देते हैं फ्लेम सेल्स. क्या नाम देते हैं बच्चों? फ्लेम सेल्स. तो फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज. इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज
फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन, और जो स्ट्रक्चर्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करते हैं। अगर बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन हाई हो रही है तो उसको लो करते हैं, लो हो रही है तो उसको नॉर्मल तक मेंटेन करते हैं। दैट मींस दे इन्वॉल्व इन ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, नाउ बच्चों जो फ्लैटवर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लैटवर्म्स, जैसे हम फाइलम निडेरिया की बात कर रहे थे, फाइलम निडेरिया में सबसे फर्स्ट टाइम नर्व सेल डेवलप हुई, वहां पर एपोलर टाइप ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट होती है, ये हमने उस फाइलम में स्टडी किया हुआ है। इस फाइलम में अब नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हुआ और यहां पर नर्व सेल से नर्व फाइबर्स बनना स्टार्ट हुए, नर्व सेल से नर्व फाइबर्स बनना स्टार्ट हुए। बच्चों जैसे हमारे घर पर लैडर्स वगैरह होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, किस तरीके से होती हैं, ये दो वर्टिकल स्टैंड्स और फिर हॉरिजॉन्टल स्टैंड, यस और नो, इसी तरीके से होता है। फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स में भी लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। दैट मींस दो नर्व फाइबर्स थ्रू आउट द बॉडी रन करते हैं और उनके बीच बीच में छोटे छोटे कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इस फाइबर की इंफॉर्मेशन यहां और इस फाइबर की इंफॉर्मेशन यहां ट्रांसफर हो सके। दैट मींस फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स में लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर? नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम जब डिस्कस करते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लैटवर्म्स, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फाइलम के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? हर्माफ्रोडाइट, दैट मींस एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर सेड टू बी हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ, हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ फ्लैटवर्म्स और मेंबर्स और फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इनकी बॉडी में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये आपस में ही अपने गैमीट प्रोड्यूस करके फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे सेगमेंट्स वाला पार्ट कि एक में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इमैच्योर हैं, एक में मैच्योर हुए, एक में उन्होंने फर्टिलाइजेशन भी किया। तो बच्चों इस फाइलम के मेंबर्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर? नाउ जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में तो फर्टिलाइज्ड एग्स बनते हैं और उन एग से एडल्ट बनने तक कई सारी लार्वल स्टेजेस का डेवलपमेंट होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट, फर्टिलाइज्ड एग पास्ड थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस एंड फाइनली इट कन्वर्ट इनटू एडल्ट। जब भी लार्वल स्टेज बनती है हम एक वर्ड यूज करते हैं मेटामॉर्फोसिस, हम वर्ड यूज करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो गाइज दिस इज अबाउट ऑल द फीचर्स ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज। जब हम बात करते हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज की, एक मेंबर तो हम पढ़ ही चुके हैं दैट इज प्लेनेरिया, जो नेक्स्ट मेंबर होता है बच्चों दैट इज टीनिया सोलियम।
बच्चों जब हम बात करते हैं टीनिया सोलियम की, टीनिया सोलियम को हम कॉमनली टेप वॉर्म भी कहते हैं, टीनिया सोलियम को हम कॉमनली टेप वॉर्म भी कहते हैं। टीनिया सोलियम हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू अनहाइजेनिक फूड एंड वाटर। हमारी बॉडी के अंदर वो रिप्रोड्यूस करता है, कई सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास होता है, और जब वो फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर आता है और अनदर एनिमल दैट इज पिग जब हमारे फीकल मैटर को फीड करता है, तो ये टीनिया सोलियम लार्वल स्टेजेस के फॉर्म में, टीनिया सोलियम लार्वल स्टेजेस के फॉर्म में पिग की बॉडी में एंटर करता है, और जो ह्यूमन बींग्स पिग के मीट को खाते हैं दैट इज कॉल्ड पॉर्क, या तो अनकुक्ड पॉर्क हो या पार्शियली कुक्ड पॉर्क हो, जब वो अनकुक्ड या पार्शियली कुक्ड पॉर्क को खाते हैं बच्चों, तब ये फिर से उन ह्यूमन बींग की बॉडी में एंटर कर जाता है। इन दिस वे टीनिया सोलियम कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिटवीन दीज टू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम इज फेशियोला। बच्चों जैसे टीनिया सोलियम दो एनिमल्स के बीच में अपनी लाइफ कंप्लीट करता है, ऐसे ही फेशियोला भी हर्बीवोर्स दैट इज शीप गोट इनके और दूसरी फिशेस के बीच में या दूसरे स्नेल्स के बीच में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ऑल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट, तो ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फेशियोला शीप की बॉडी में लिवर पर अटैक करता है, वहां पर डिसीज प्रोड्यूस करता है, इसीलिए फेशियोला को बच्चों हम लिवर फ्लूक कहते हैं। फेशियोला को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिवर फ्लूक। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज, देयर जनरल फीचर्स, पैरासिटिक अडेप्टेशंस, देयर डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स एंड देयर एग्जाम्पल्स। क्लियर गाइज? नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लेवल फाइलम दैट इज फाइलम एस्केहेल्मिंथीज। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।